everyone, how are you guys doing? I hope you're doing great and are safe. एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल कम अप विथ अ फूड चैलेंज वंस वी हिट 1K एंड हियर आई एम डूइंग अनदर फूड चैलेंज फॉर यू ऑल. सो आई एम श्योर यू गाइज हैव गेस्ड इट फ्रॉम द टाइटल कि आज का चैलेंज क्या होने वाला है. यस, इट्स गोइंग टू बी अ 24 आवर्स चाट चैलेंज. मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट चाट वाले आइटम्स खाने वाली हूँ, जैसे पानी पूरी, शेव पूरी, बेल पूरी, ये सारी चीजें. सो सिंस इट्स अ फूड चैलेंज आई हैव वोकन अप वेरी वेरी अर्ली एंड I am gonna make my breakfast now. Breakfast के लिए मैंने सोचा है कि मैं मैगी भेल बनाऊंगी because it's my personal favorite. So I will see you guys once the भेल is ready. So these are the ingredients that I've taken for the भेल. Onions लिया है मैंने, tomatoes लिए है, then there's नींबू, there's मिर्ची and धनिया. I'm gonna chop these things and then I will see you guys. ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड मैंने खाया मैगी भे विच इज माई पर्सनल फेवरेट एंड मैं काफी अच्छी बना भी लेती हूँ टू बी ऑनेस्ट. इनफैक्ट मेरे घर वालों को भी मेरे हाथ की भेल काफी ज्यादा पसंद है. सो इसलिए मैंने सभी के लिए बनाई थी एंड या आई जस्ट हैड इट. आई एम वेरी वेरी फुल राइट नाउ. काफी इजी है बनाना, कोई कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है नहीं. तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक जिससे मैंने कॉपी किया ये वाला रेसिपी. So yeah, that's it and I will see you guys once I'm hungry. Okay, so I'm finally going out for lunch. This is my makeup. It's not a lot. But yeah, वैसे भी इसको दिखने वाला है. So yeah, चलो फिर. लाइटिंग इज वेरी बैड बट हम लोग ने यहाँ पे चीज भे ऑर्डर किया एंड द सेकेंड वन इज व्हाट इज इट कॉल्ड महालक्ष्मी स्पेशल भे ऑर्डर किया एंड आई विल गिव यू द रिव्यूज लेटर बट आई एम जस्ट गोना फिनिश माय लंच राइट हियर. आई एम सो सॉरी अबाउट द लाइटिंग, समथिंग इज ऑफ अबाउट इट बट एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने यहाँ पे मिल्क शेक्स भी ऑर्डर किए हैं. दीज टू आर द मिल्क शेक्स. वन ऑफ दिस इज द बटर स्कॉच वन एंड द अदर इज कोल्ड कॉफी टू गल्प द चाट डाउन बिकॉज बहुत ज्यादा चाट खा लिया है मैंने आज के दिन में एंड आई स्टिल हैव टू गो ऑन. सो या विश मी लक फॉर दैट. ऑल्सो चार बज चुके हैं सो हमने शेवपुरी भी ऑर्डर की है. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट. एंड मैंने ऑर्डर की है अमेरिकन शेवपुरी और हर्षल ने अभी तक तो कुछ ऑर्डर नहीं किया. उसने ही डिसाइड एंड देन आई विल लेट यू नो कि उसने क्या ऑर्डर किया है. आगे निकल
ज्यादा घूम लिया हमने और यहाँ पे अभी हम लोग आ गए शिवपुरी खाने। स्नैक टाइम हो चुका है बिकॉज शाम हो चुकी है। ऑन कर करो बटन दबा करना। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन, ओह गॉड इसको ऑन करो। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, नहीं यू कांट सी इट, मैं बाद में दिखा दूंगी आपको कितने बजे है। अभी वैसे तो बजे है 6:23 एंड नहीं दिखेगा, अभी 6:23 बजे हुआ है इसलिए हम लोग आ गए स्नैक खाने के लिए। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा फुल हूँ फिलहाल भी, बट या देखते हैं। अभी मैंने ऑर्डर किए शेव पूरी, सो लेट्स सी। डेफिनेटली थिंक ये वाली शेवपुरी ज़्यादा बेटर है फ्रॉम द वन दैट वी हैड इन द महालक्ष्मी सेंटर। आई डोंट नो, इट्स जस्ट सो गुड। व्हाट डू यू थिंक, कौन सी शेवपुरी ज़्यादा बेटर लग रही है, ये वाली या वो वाली? ये वाली बस। Cheers. ये वाली ज़्यादा अच्छी। Cheers. द बेस्ट थिंग अबाउट चाट इज सूखा पूरी, एंड में इट जस्ट कम्प्लीट्स द चाट। गाइस तो यहाँ पे मेरा डिनर रेडी करके दिया है मेरी मॉम ने मुझे। आई एम गोइंग टू हैव दीज अमेजिंग गोल गप्पास फॉर माय डिनर, सो हियर वी गो। मतलब ना घर के गोल गप्पे आर दी बेस्ट, इसका कंपटीशन ना कोई भी बाहर का गोल गप्पा नहीं कर सकता। राइट तो अभी बजे हुए हैं 11:30 और मेरा डिनर होके 2 घंटे हो चुके हैं लगभग। एंड मैंने सोचा कि यहीं पे ये वाला वीडियो ख़त्म कर देती हूँ, इसका आउटरो शूट कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सोने वाली हूँ। तो आई एम नॉट गोना ईट एनीथिंग नाउ। मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि चाहे जितना भी मुझे बाहर का खाना पसंद हो, बट एटलीस्ट एक टाइम तो मुझे रोटी सब्जी खानी ही पड़ती है, अदरवाइज मेरा मन बिल्कुल नहीं भरता, मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरता। सो या दैट्स द थिंग विथ मी। ओके तो मैं आपको छोटी सी समरी दे देती हूँ कि मैंने आज के दिन में क्या क्या खाया और मुझे क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में पसंद आई है। सो सबसे पहले तो मैंने मैगी भेल खाई थी सुबह एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। मैंने जब वो मैगी चैलेंज किया था ना, तब से आई जस्ट फेल इन लव विद द मैगी भेल। आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट टेस्ट फैब्यूलस। बहुत ही ज्यादा लाइट भी होती है और काफी टेस्टी भी होती है, इसलिए आई जस्ट लव इट सो मच। देन फॉर लंच आई हैड द महालक्ष्मी स्पेशल भेड़ थोड़ी बहुत एंड स्पेशल चीज भेड़ खाई थी मैंने लंच के लिए। वो ठीक ठाक ही थी, इतनी कुछ ज्यादा मुझे पसंद नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी ऑनेस्टली, प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी वॉज अमेजिंग, बट एज पर द टेस्ट आई एम नॉट अ फैन ऑफ the conflicts that they put into the bhel, so yeah that wasn't the one for me। and वैसे भी मुझे ना ऐसे वो जो गीली भेड़ रहती है ना वो ज्यादा पसंद है, ऐसे सूखी सूखी भेड़ मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। सो या आई डिड नॉट लाइक इट दैट मच। देन उधर ही हमने दूसरा भी एक आइटम ट्राई किया था जो कि था अमेरिकन शेवपुरी और दूसरा था दिल्ली टोकरी चाट। एंड उसमें से आई थिंक दिल्ली टोकरी चाट वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट या अमेरिकन शेवपुरी वॉज अमेजिंग। थोड़ा मुझे ज्यादा स्वीट लगा बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट थिंग्स, तो इसलिए वो मेरे टेस्ट के हिसाब से काफी ज्यादा स्वीट था। बट या इट टेस्ट अमेजिंग, इट वॉज ग्रेट, टेस्ट सच में उसका अच्छा था। दही बहुत ज्यादा डाला था उन्होंने, भर भर के डाला था, ऐसा चिंगूगिरी नहीं किया था, विच वॉज अमेजिंग। बट या देन अगेन दिल्ली टोकरी चाट और अमेरिकन शेवपुरी का जो बेस था वो इनफैक्ट सेम था, बेस नहीं स्टफिंग जो था वो सेम था। उन्होंने मैं पहले ही वॉर्न किया था कि इसका स्टफिंग सेम आएगा, तो अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, पर हमने सोचा कि नहीं ट्राई करके देखते हैं बिकॉज ये दो चीजें काफी नई लग रही थी मुझे उस सारे मेन्यू में। सो हमने ये वाली दो चीजें ट्राई की एंड सच में उसका स्टफिंग बहुत ही सिमिलर था, बट या उसका बेस काफी अलग था, इसीलिए
That was good. Then we had the normal shev puri again and that was the best. I mean, honestly, मुझे ना ऐसे ठेले की या छोटे छोटे places की जो शेव पूरी पानी पूरी रहती है ना वो मुझे ज्यादा पसंद है. I think they are original and उनका जो वो traditional authentic taste रहता है ना वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है. I absolutely love fusions when it comes to food. I love when it's authentic. I love when it's fusion as well. But authentic का जो एक original होता है ना form वो कंपेयर आप नहीं कर सकते हो किसी भी फ्यूजन के साथ. देन डिनर वॉज ऑनेस्टली द बेस्ट. मतलब पूरे दिन में मैंने जो भी खाया ना द फैक्ट दैट आई केप पानी पूरी फॉर द लास्ट इज बिकॉज बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को चैलेंज करते हुए देखा है वो ब्रेकफास्ट में पानी पूरी खा लेते हैं एंड पानी पूरी इज समथिंग दैट आई रियली लव अलॉट. मतलब पूरे चाट में ना पानी पूरी इज समथिंग दैट आई विल नेवर गेट रिड ऑफ. आई एम नेवर गोइंग टू गेट टायर्ड ऑफ ईटिंग पानी पूरी टू बी ऑनेस्ट. दैट इज लाइक द मेन चाट. दैट इज द मेन चाट इन फैक्ट विच इज एग्जैक्टली वाई आई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस चैलेंज ऑन अ गुड नोट एंड आई वॉन्टेड टू एंड दिस चैलेंज ऑन अ गुड नोट. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मैगी बेर और एंडिंग में पानीपुरी रखा बिकॉज आई न्यू ये दो चीजें मैं घर पे करने वाली थी एंड ये दो चीजें खराब नहीं होने वाली थी. माय मॉम मेक्स द बेस्ट पानीपुरी यू कुड एवर हैव. नो आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग यू गाइज. लेट मी टेल यू गाइज मैंने आज तक इतनी जगहों पे पानीपुरी खाई है ना. आई एम अ पानीपुरी लवर. सो मैं कहीं पे भी जाती हूँ चाट में पानीपुरी या फिर शेवपुरी लेती हूँ एंड मेरी मॉम की तरह ना कोई भी नहीं बनाता है. पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता होगा टू बी ऑनेस्ट. तो सबसे बेस्ट वो पानी पूरी थी. इट वॉज अमेजिंग. अभी भी व्हेन द टेस्ट इज लिंगरिंग ऑन माई टंग ना मेरे को फिर से खाने की इच्छा हो रही है. ऑल्दो आई एम फुल राइट नाउ बट फिर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा क्रेविंग हो रहा है. बट या आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड पुल ऑफ दिस चैलेंज एंड कम्प्लीटेड. काफी चैलेंजेस में मुझे काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है पर मैं चैलेंज पूरा कर लेती हूँ नो मैटर वॉट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट डिसअपॉइंट यू गाइज. इसलिए मैं चैलेंज किसी भी हाल में पूरा कर ही लेती हूँ मेरा. आई एक्चुअली वॉन्टेड टू ट्राई रगड़ा पैटिस और ये सारी चीजें ट्राई करनी थी मुझे लेकिन ना उस मोमेंट पे मेरा पेट बहुत भर रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स नॉट ओवर डू इट. फिर बाद में तकलीफ भी हो जाती है इसीलिए आई थॉट कि या लेट्स जस्ट कीप इट लिमिटेड. एक्चुअली हम लोग कुछ 3:30 बजे गए थे वहां पे तो उन्होंने हमें बोला कि अभी से हम भेड़ लेने ही नहीं वाले थे. टू बी ऑनेस्ट हम लोग ने बिल्कुल प्लान नहीं किया था भेड़ लेने का लेकिन क्या हुआ उन्होंने बोला कि अभी सिर्फ भेड़ और मिसल अवेलेबल है तो आप उनमें से कुछ चूज कर सकते हो. 4 बजे के बाद आपको बाकी चाट आइटम्स मिलेंगे जैसे पानी पूरी शेवपुरी ये सारी चीजें. तो अभी 1-1.5 घंटा हम बारिश में तो घूम नहीं सकते थे इसलिए हमने सोचा कि भेड़ ले लेते हैं कैसी होगी क्या होगी. एक्चुअली वहीं पे हमारी गलती हो गई थी. हम लोग ने एक ही भेड़ लेना चाहिए था ऑनेस्टली बट हम लोग को इतना लगा नहीं कि इतना ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा तो हम लोग ने 2 ले लिया एंड इट लिटरली फिल्ड आवर स्टमक. ऑल्सो लेट मी टेल यू हाँ हमने मिल्कशेक भी वहां पे ऑर्डर किया था. मुझे पर्सनली हम दोनों को इनफैक्ट पर्सनली मिल्कशेक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. इट वॉज रियली रियली व्हाट डू यू कॉल इट मिल्कशेक लग ही नहीं रहा था वो इनफैक्ट वॉटर ही लग रहा था वो. इट वॉज एक्सट्रीमली स्वीट. नाउ हेट कुड बी अ रियली बिग वर्ड सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई डिसलाइक्ड इट. बट yeah if you are a person who likes very sweet things you might actually like it but the fact was it was not thick being a milkshake was the downside of it I feel. so yeah that's it for today's video. I hope you guys liked it and agar aap chahte ho ki main aise aur bhi challenges karu naye naye 24 hours ke so give it a big fat thumbs up share it with all your friends and family and subscribe to my channel if you haven't already. यार मैं इतने ज्यादा फूड चैलेंजेस इंक्लूड कर रही हूँ आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए मेरे चैनल को बिकॉज मैं और भी ज्यादा फूड चैलेंजेस लेके आने वाली हूँ. फेस्टिव सीजन इज ऑन इसलिए बहुत सारे फूड चैलेंजेस आएंगे एंड आई एम श्योर यू गाइज डोंट वांट टू मिस इट. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू वॉन्ट मोर सच चैलेंजेस. फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल हैंडल्स दैट विल अपियर ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डोंट फॉरगेट टू चेक द आई कार्ड एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियोज वहां पे लिंक कर दिए हैं. बहुत सारे फूड चैलेंजेस आपको वहां पे मिल जाएंगे. एंड इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम हेलो माई नेम इज मृणमयी. आई कम अप विद वीडियोज एवरी मंडे एंड फ्राइडे एट 11. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ब्यूटिफुल. बाय बाय.